हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिस करते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, मैं फिर क्वेश्चन लाया हूँ JEE का है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। शायद देखते हैं कल तक चले, उसके बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का मेरा, फॉर अ रियल नंबर अल्फा। रियल नंबर आप समझते हैं, हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। इफ सिस्टम वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन एक्स वाई जेड वन माइनस वन वन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन देन वन प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी व्हाट। फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आंसर नहीं लिखा हूं ऑप्शन में, क्या आएगा आप देख लीजिए। मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, पहले समझना होगा स्टूडेंट्स कि ये लीनियर इक्वेशन है जो इनफिनाइटली है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, सबसे पहले तो ये करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिटरमिनेंट ऑफ वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा वन, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए फॉर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये इसको फंडामेंटल करना है, तो एक्सपेंडिंग मेथड से फाइनाइट फाइंड करता हूं मैं, तो क्या होगा वन इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर। देखिए फिर माइनस अल्फा ये और ये को डिलीट कर देंगे, अल्फा माइनस अल्फा क्यू। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा स्क्वायर प्लस होगा इज इक्वल टू ऐसे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये टर्म तो देखिए स्टूडेंट जीरो हो गया, ये तो और इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसीलिए हमको माइंड में आ गया कि ये जीरो होगा, इसीलिए इक्वल टू जीरो लिख रहा था, तो ये जीरो आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसको वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस, इसको इंटू किया माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस फिर माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा फोर वो तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन कितना आ जाएगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या करेंगे हम, वन माइनस अल्फा यहां स्क्वायर नहीं होगा स्टूडेंट्स, देखिए ये स्क्वायर होगा मेरा, अब ये हो गया स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू जीरो। यहां भी लिख सकते थे ऐसे वन माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा फोर इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा स्क्वायर इजक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर इजक्वल टू वन, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अब हम देखिए यदि हम वन लेते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, देख लीजिए स्टूडेंट सब वन 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 पूरा आएगा, तो डिटरमिनेंट वहीं पर जीरो हो जाता। तो माइनस वन लेता हूं, ठीक है, तो हमको फाइंड करना है ये, तो टेकिंग माइनस वन पूरा टर्म इसके इक्वल ऐसा नहीं होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हम माइनस वन कर रहे हैं टेकिंग, यहां लिख देता हूं टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन। अब देयर फोर वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट कीजिए अब ये माइनस वन ये वन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू वन होगा।
और बड़ा से लिख दूं मैं, रुकिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा क्वेश्चन उधर डिलीट करके लिख देता हूं, यहां लगता है बहुत छोटा छोटा हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इधर देख लीजिए, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये डिलीट कर दिया। तो ये लिखना होगा हमको 1 - α² = 0, तो α² = 1 इंप्लाई दैट α = ±1, तो प्लस हम नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस वन लेंगे सब 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो α = हम -1 लेंगे, ठीक है, α does not equal to 1, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यहां पर वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, माइनस लेते हैं, माइनस आ जाए तो माइनस लीजिए। अब देयरफोर 1 + α + α² = 1 - 1 + 1 = 1 हो गया। देखिए ये कट जाएगा तो क्या आ गया, 1 आंसर होगा स्टूडेंट्स, यहां पर फिलअप में भरना होगा तो हम लोग 1 फिलअप कर देंगे, 1 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे करना होगा वर्क, और जब इनफिनिटी सॉल्यूशन दिया है तो डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, 0 लिया था, अल्फा का वैल्यू आ गया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें और मेरा आ गया आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं डिलीट करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कंसीडर करता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ये क्वेश्चन JEE 2000, आज जो क्वेश्चन है सब आया हुआ JEE, ये एडवांस का है, एडवांस का है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद वो देख लीजिए, JEE के लिए है ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 17 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां ट्रिक्स इसलिए मैं डिलीट नहीं किया हूं। देखिए जब ऐसा, ये पॉलीनोमियल में है लेकिन ये नहीं है, ये है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ऐसा रहे ये पॉलीनोमियल नॉट पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है 2 1 0 0 1 2, ये क्या है पॉलीनोमियल 0 1, तो जो 2 डिग्री हाइस्ट इसमें तो नहीं है, तो इस टाइप का दे रहेगा, एक लेस कम के रहेगा, तो हमेशा इसका आंसर अल्फा का वैल्यू इस टाइप में इसका मिडिल आंसर लेना होगा, आप ध्यान कर लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। जब भी ऐसा नहीं है, यानी कहने का मतलब डिटरमिनेंट में यदि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो इसका जो मिडिल आंसर है वाई के सामने वो आंसर होगा, वो अल्फा का आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा होगा ऐसा, लेकिन फिर भी नहीं माइंड में आया तो सोल्यूशन कर दीजिए। और 1 क्वेश्चन नहीं दिए, 1 माने अल्फा का वैल्यू, वो मैं क्यों नहीं लिया वो भी डिस्कस कर दूं। देखिए क्यों नहीं लिया वो भी देखिए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिया वो भी पूरा मैं फंडामेंटल कर देता हूं, ये क्या था 1 - 1 1, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, x + y + z = 1, ये भी क्या होगा x + y + z = 1, x + y + z = ये -1 है, -1। देखिए स्टूडेंट ये तीनों पैरेलल होगा, लेकिन हमारा कंडीशन है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में
लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। याद कीजिए मैं लिखाया हूं वर्किंग रूल में, इसमें नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में यदि डी जीरो है तो ये पैरेलल लाइन इनफिनिटली के नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन होता तो ये एग्जिस्ट कर जाता, अल्फा का वैल्यू 1 एग्जिस्ट करता। अब देख लीजिए सामने, मैं इसीलिए नहीं लिया। अब बोल सकते हैं ना रीजन क्या है सर क्यों नहीं लिए, तो ये है मैंने इनफिनिटी सॉल्यूशन में पैरेलल इक्वेशन नहीं होना चाहिए, इससे मेरा पैरेलल हो गया। ठीक है, ये दो तो पैरेलल है ही, ये तो दोनों सेम इक्वेशन है, तो इसलिए इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिया था। जैसे अभी स्टूडेंट बोला था ना कि सर क्यों नहीं लिए क्यों नहीं लिए, ये रीजन है। ठीक है, मैं बता दिया ये अल्फा का वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया, वो मैं डिस्कस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं। लेट एम बी अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट एम बी अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सटिस्फाइंग एम 0 1 0 इज इक्वल टू -1 2 3। यह है एक, ये फर्स्ट सेटिस्फाइंग हुआ, एक और है, नहीं दो और होगा, एम 1 -1 0 इज इक्वल टू 1 1 -1, यह हुआ। एंड एम 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 12, देन देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, द सम ऑफ डायगोनल डायगोनल इंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज लिख देता हूं। हालांकि एलिमेंट्स भी ठीक था लेकिन यहां क्वेश्चन में है इंट्रीज तो भी मैं इंट्रीज ही लिखूंगा। एम इज ऑप्शन है ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, अच्छा ये इंटीजर फॉर्म का है, इंटीजर का लाया हूं मैं, तो इसमें तो ऑप्शन रहता नहीं है, इंटीजर फॉर्म है वो मैं आज लाया हूं क्वेश्चन। एम इज क्या होगा अब ये दिखाता हूं मैं। सबसे पहले कंसीडर करना है कि एम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 ऑर्डर का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स एम का सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज या ट्रेस मैट्रिक्स दे देगा, ट्रेस मैट्रिक्स ऑफ एम। ठीक है, या सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल या सम ऑफ क्या लिखेगा वो लीडिंग डायगोनल, ये भी लिख सकता है। एम यहां डायगोनल लिखा तो वो लिखना होगा। अब सॉल्यूशन में कर रहा हूं इसको, फिर उसके बाद डिलीट करूंगा, क्वेश्चन में हाथ में लूंगा। सॉल्यूशन है देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको तो लेट करेंगे, क्या A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, हमको फाइंड क्या करना है, A1 प्लस B2 प्लस C3, ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कहता है तो देयरफॉर, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1 B1
बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। फर्स्ट देखिए लिखते हैं, ये तो क्या है, जीरो वन जीरो वन जीरो इज इक्वल टू माइनस वन टू थ्री, ये दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए स्टूडेंट क्या होगा, प्रोडक्ट करने के बाद ए वन जीरो ए टू जीरो, नहीं ए टू तो बचेगा, ए थ्री जीरो, तो ए टू आएगा और बी टू होगा और सी टू आएगा प्रोडक्ट के बाद माइनस वन टू थ्री। अब इसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो देयर फोर ए टू इज इक्वल टू माइनस वन बी टू इज इक्वल टू टू, देखिए ए वन इज इक्वल टू माइनस वन बी टू इज इक्वल टू टू सी टू इज इक्वल टू थ्री, यहां लिख देता हूं मैं सी टू इज इक्वल टू थ्री, ये तो मिल गया। लेकिन हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए वन बी टू सी थ्री, ठीक है। लेकिन इसे हमको कोऑपरेशन होगा, ये मिला तो अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट कंसीडर एम ये, तो इसका अगेन अगेन ए वन ए टू ए थ्री, नहीं ऐसे नहीं, जैसे लिट किया हूं इसी करूं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इन टू होगा ये सेकंड वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो इज इक्वल टू वन वन माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, क्या आएगा वन टू, ये बी थ्री तो जीरो हो जाएगा, चलिए ठीक है, तो ए वन प्लस ए वन माइनस, यहां से ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए वन माइनस ए टू वन की इक्वल होगा। अब यहां ए टू कितना आया है, माइनस वन पुट कर देंगे ये प्लस हो जाएगा प्लस वन, तो ए ए वन माइनस वन आया है इज इक्वल टू वन, तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये प्लस है उधर जाएगा जीरो। अब इसको एंड अब डायरेक्ट लिखिए स्टूडेंट, बी वन बी वन माइनस बी टू इजकल टू वन, तो बी टू कितना आया है यहां टू, टू पुट करेंगे बी वन थ्री हो गया, बी वन माइनस बी टू टू इजकल टू वन, तो बी वन इजकल टू थ्री। अब फिर हमको फाइंड करना है सी वन सी टू आएगा, सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो सी टू मालूम है थ्री, तो सी वन भी थ्री होगा, दोनों इक्वल आ गया, सी वन भी थ्री हो गया ये दोनों। अब करना है नेक्स्ट इससे, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें करना है हमको, तो अगेन यहां लिख लू उसके बाद डिलीट करूंगा तब फिर मैं क्वेश्चन लूंगा, अगेन चलो क्वेश्चन ले लूं, यहां नहीं ठीक से होगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ले लिया हाथ में तो मैं अपना देख के कर लूंगा, मैं सेकंड तक हुआ है थर्ड बाकी है, ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूं अब, मैं ये सिर्फ क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं, ये सब रखूंगा शायद काम आए, ए वन को हमको काम था ही, ए वन तो मिल गया,
बी टू भी मिल गया है और सी थ्री भी मिल गया है, तब तो कुछ की जरूरत नहीं, अब करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। फिर भी मैं कर देता हूं, तो आ गया। बी ए बी टू मिला है, हाँ बी टू मिल गया है, सी थ्री नहीं, सी थ्री नहीं मिला है, सी थ्री फाइंड करना पड़ेगा, सी थ्री नहीं मिला है, यस इसीलिए थर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है। सी थ्री नहीं मिला है, अगेन 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 एम लास्ट का है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये किसके साथ करना है हमको, वन 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 है क्वेश्चन में, वन वन वन, और ये इजकल टू है जीरो जीरो ट्वेल्व, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इधर डिलीट करूंगा, ये लेफ्ट साइड ये पूरा डिलीट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इजकल टू जीरो, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इजकल टू जीरो, एंड सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इजकल टू सॉरी ट्वेल्व, जीरो नहीं दिया इसका, ये ट्वेल्व है। अब हमको क्या फाइंड करना था, ए वन बी टू सी थ्री, ए वन मिल गया है, ए वन कहाँ मिला है जीरो, बी टू मिल गया है, तो मैं इससे चलूं, क्योंकि सी वन भी मिला हुआ है, सी टू मिला है, सी थ्री मिल जाएगा, चलिए ठीक है, तो इससे चलते हैं, और ये सब छोड़ दीजिए, सोल्व नहीं कीजिए। तो सी वन कितना है मेरा, थ्री, सी टू भी थ्री, प्लस सी थ्री इजकल टू ट्वेल्व, तो कितना आ गया, सी थ्री इजकल टू सिक्स आएगा, सी थ्री इजकल टू सिक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या देयर फोर ए वन प्लस ए टू बी टू, ए वन प्लस बी टू प्लस सी थ्री, ये हुआ सम ऑफ ए डायगोनल, ए वन प्लस बी टू प्लस सी थ्री, ए वन तो मेरा जीरो है, बी टू टू है, सी थ्री सिक्स है, सी वन सी टू, सही किया हूं ना, एक बार और देख लेता हूं, ए वन माइनस ए टू, ए थ्री जीरो, बी वन माइनस बी टू, तो वन वन सी वन सी टू, यहां पर गड़बड़ है स्टूडेंट्स, ये देखिए सी वन सी टू इजकल टू, सी वन सी टू इजकल टू माइनस वन, सॉरी ये माइनस वन है, तो सी टू कितना है थ्री, यहां सी टू थ्री पुट करेंगे, सी वन माइनस थ्री इजकल टू माइनस वन, तो सी वन इजकल टू टू होगा, सी वन इजकल टू टू आ गया, तो सी वन टू है, तो सी वन टू मिला, तो यहां से हटाना पड़ेगा इसको, सी वन टू है, सी टू थ्री है, तब यहां सी वन कितना मिला है टू, ये सी टू थ्री प्लस सी थ्री इजकल टू ट्वेल्व, ये देखिए स्टूडेंट्स वहां से हमसे गलत हो गया, सॉरी ये माइनस वन है, मैं ये जीरो देख लिया इसलिए ये माइनस वन है, यहां माइनस वन होगा, सी वन सी टू का वैल्यू थ्री है, तो इधर जाएगा तो कितना आएगा टू आ गया, अब सही है। अब इसका वैल्यू सी थ्री इजकल टू ट्वेल्व माइनस फाइव इजकल टू सेवन आएगा। अब है देयर फोर हमको क्या फाइंड करना था, ए वन प्लस बी टू प्लस
C3, A1 तो 0 है, B2 2 है, प्लस C3 7 है, इक्वल टू 9 होगा। आंसर ये पूरा 100% सही है। ये तो कैसे मैं देख लिया कि यहाँ मैं गलत लिखा हूँ, नहीं तो मेरा ये तो YouTube में चल जाता पूरा गलत गलत। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कभी मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा और बताइए हमको कि सर यहाँ गलत हो रहा है, ये तो मैं देख लिया तब ना, ये 9 आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करूँगा। ये 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 2018 का आया है ऑफलाइन में, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ए मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं देखिए क्वेश्चन मैं इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, ये थर्ड है ना, ये थर्ड है। इफ ये डिटरमिनेंट का है स्टूडेंट, इफ एक्स माइनस 4 2x, ये है 2x x माइनस 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, देन द ऑर्डर पेयर then the ordered pair AB is equal to what, क्या होगा इसका। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन ए है -4 -5, बी है -4 3, सी है -4 5 और डी है 4 5। ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आया है 2018 में आया हुआ है। ये 2000 में ऑफलाइन में आया था। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कौन मैच करता है ऑप्शन दिया हुआ जो मेरा है वो। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं अब क्वेश्चन फर्स्ट मेथड आप लोग को करना होगा, लेकिन मैं सिर्फ वर्किंग रूल लिख दूंगा। इफ प्रिंसिपल डायगोनल x-4 x-4 है, अदर डायगोनल सब 2x 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 है, और यहां दिया इक्वल टू a+bx x-a का होल स्क्वायर, a और b का वैल्यू क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर में शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a है ऑर्डर्ड पेयर में शो करना है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, c1 tends to c1 plus c2 plus c3। देखिए 2 2 जा 4 प्लस x 5x-4 सब इसमें आ जाएगा, 5x-4 5x-4, और इसको कॉमन ले लीजिएगा और 1 1 आ जाएगा। आप लोग खुद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं अब सेकंड मेथड बता रहा हूं।
बाय हीट एंड ट्रायल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ए और बी को निकालना है तो बी को पहले हटा दीजिए, ए ए रहेगा हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो बी को हटाने के लिए एक्स का वैल्यू क्या पुट करना होगा, जीरो। इजी तो पहले वही होगा, तो पुट करें हम, पुट एक्स इजिकल टू जीरो इंप्लाई दैट यहां क्या आएगा, माइनस फोर जीरो 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 माइनस फोर जीरो 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 माइनस फोर। अब इसका एक वर्किंग रूल लिख देता हूं यहां, यदि डिटर्मिनेंट है ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे ए क्यू आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब बोलिए इसको क्या लिखूं मैं, इज इक्वल टू इसको लिखना होगा ना, इधर ये बी जीरो ये हुआ ए भी जीरो, कितना आ जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब कर दिया मैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस फोर का क्यूब इजकल टू ए क्यूब, ए इजकल टू कितना यहां माइनस फोर, कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल ए इजकल टू माइनस फोर। यदि सब में नहीं होगा एक ही में होगा माइनस फोर, तो डायरेक्ट यहां कर देंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें भी माइनस फोर है तो कंफ्यूजन हो गया, तो बी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बी इजकल टू पुट करूंगा अगेन, पुट एक्स इजकल टू वन, ठीक है, और ये का वैल्यू वहां माइनस फोर पुट कर दूंगा, तो एक्स इजकल टू वन ये कितना हो गया माइनस थ्री, ये टू ये भी टू, वो कितना होगा टू माइनस थ्री टू 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 माइनस थ्री डिटर्मिनेंट। अब यहां ए का वैल्यू माइनस फोर है तो वहां माइनस फोर पुट करूंगा, माइनस फोर प्लस बी, एक्स का वैल्यू वन लिया हूं, अब यहां वन माइनस प्लस फोर हो जाएगा का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू माइनस है खुद माइनस में है प्लस हो जाएगा। अब इसको फाइंड आउट कीजिए, माइनस थ्री क्या होगा नाइन माइनस फोर, अब ये माइनस टू कितना होगा सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस फोर, बड़ा लिख दो शायद आपको पीछे नजर नहीं आता होगा, यहां माइनस टू लिया तो माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस टू लिया तो ये टू टू जा फोर प्लस सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको यहां इक्वल टू यहां लिख देता हूं ए क्यू, अब ये इक्वल टू कितना आएगा मेरा बी माइनस फोर इंटू ट्वेंटी फाइव, फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, कितना आएगा फाइव माइनस फिफ्टीन, अब ये टेन प्लस ट्वेंटी, अब वो ट्वेंटी ये भी तो आएगा ट्वेंटी, ठीक है ना, इज इक्वल टू बी माइनस फोर इंटू ट्वेंटी फाइव, फोर्टी माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा ट्वेंटी फाइव है, ट्वेंटी फाइव आएगा चालीस पंद्रह बी माइनस फोर वन, सही है, तो वो वन माइनस फोर, कहाँ कुछ गलत कर किया हूं मैं, हाँ वन प्लस फोर, ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू कहाँ माइनस फोर, ये सही है। अब माइनस फोर पुट करेंगे तो प्लस फोर हो जाएगा, तो प्लस फोर लिखा हूँ एस का वन तो ट्वेंटी फाइव होगा, तो बी एक्स का वन माइनस फोर, फिर से चेक कर लेता हूँ तब जैसे छूटे नहीं, प्लस माइनस माइनस टू माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस टू फोर प्लस सिक्स, सही है। अब यहाँ नाइन फाइव फिफ्टीन, अब ये सिक्स फोर टेन टू जा ट्वेंटी, सिक्स फोर
फोर प्लस सिक्स इसका होगा माइनस सिक्स माइनस फोर, सही है, पूरा सही है। ये यह माइनस थ्री लिया, नाइन माइनस फोर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो छः चार दस दूनी बीस, छः चार दस दूनी बीस चालीस, तो पच्चीस ही आएगा ना, है? बी माइनस फोर वहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये जिस्ट नहीं कर रहा है लगता है कि ये एक्स वैल्यू वन पुट किया तो माइनस थ्री हुआ, टू टू हुआ, टू माइनस थ्री टू, टू टू माइनस थ्री, बिल्कुल सही है। अब ये अब जो आ जाए देखता हूँ क्या होता है, चलिए सोल्यूशन करता हूँ, ये सही है ना, चलो ठीक है जाने दो, इतना सोचना नहीं है, बिल्कुल सही बनाया हूँ। b माइनस फोर इंटू ट्वेंटी फाइव सही है। अब ये क्या होगा, b माइनस फोर इजकल टू वन, तो b का वैल्यू कितना आ गया, फाइव हो गया, b का वैल्यू फाइव, ऐसे हाईलाइट कर दिया, थ्योरी रहेगा तो भी चल सकता है ये। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, a पहले माइनस फोर बी फाइव, कहाँ है ये, सी आंसर होगा स्टूडेंट, ये सी होगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर में लिखते हैं यहां ए बी इजकल टू माइनस फोर फाइव, ये आंसर होगा 100% ये आंसर आएगा, कहीं गलत नहीं, मैं पूरा चेक कर लिया, दो मिनट ज्यादा टाइम ले लिया मैं अब चेक करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड ये आप लोग कीजिएगा, सीवन टेंस टू सीवन प्लस सी टू प्लस सी थ्री वो आ गया, फिर उसके बाद पुट कर दीजिए और जल्दी आपको बन जाएगा, मैं तो चेक करने लगा गलत नहीं हो जो इसके पहले हो गया था, इसलिए आंसर ये आएगा 100% ये आएगा। मैं अब डिलीट कर रहा हूं, मैं ये 2018 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये थर्ड फोर्थ है ना, ये फोर्थ है क्वेश्चन फोर्थ, देखते चलिए स्टूडेंट्स। लेट पी एंड क्यू बी, लेट पी एंड क्यू बी थ्री बाई थ्री ऑर्डर, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, P और Q क्या है, थ्री बाई थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स है, P डज नॉट इक्वल टू Q, कभी दोनों इक्वल नहीं होगा, इफ 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 P Q इक्वल टू Q Q एंड पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये भी आया है, पहले तो चलता था क्या, ए आई ट्रिपल ई 2012 का क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, देखते जाइए, ये मैं अब डिलीट कर रहा हूँ पूरा सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड आपके ऊपर छोड़ दिया हूं, सोल्यूशन कर लीजिएगा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा बनाने के लिए, वो सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं सोल्यूशन होगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन है? पी क्यू थ्री ऑर्डर में है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। एक कंडीशन पहले दिया, और दिया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू रेज थ्री एंड पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू रेज टू। तो देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस क्या होगा? इस ऑप्शन में है या नहीं है? लेकिन होना चाहिए, नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो वी हैव, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखे, या सिंस द गिवन, सिंस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू कर दिया, अब सब्ट्रैक्शन बोथ साइड, पोस्ट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बोथ साइड बाय, कोई कोई एक को कीजिए, पी स्क्वायर क्यू लिखता हूं मैं, पी स्क्वायर क्यू, वी गेट, अब आ गया, दो लाइन में बनेगा ये, आ गया पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू इजकल टू क्यू क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू, ये दिया हुआ, ये वर्क किया मैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये डिग्री के अनुसार यहां सेट हो गया, ये डिग्री नहीं हुआ क्यू क्यू के लिए, लेकिन पी स्क्वायर क्यू इजकल टू मेरा दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यूब क्यू क्यूब माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये कर दिया मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पी क्यूब माइनस, ऐसे करता हूं, यहां से कॉमन लेके चलता हूं, देखिए स्टूडेंट, पी कॉमन होगा, पी स्क्वायर, यहां क्या आएगा, पी माइनस क्यू, यहां माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन होगा, तो पी माइनस क्यू आएगा, उल्टा कर दिया। अब इसको इधर लाइए दोनों को, तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस होगा क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू, ये कट नहीं करना स्टूडेंट, क्योंकि कंडीशन है नॉट इक्वल, तो यहां नॉट इक्वल कर गए तब होगा, तो पी माइनस क्यू कॉमन हो गया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बट पी माइनस क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं होगा, देयर फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डिटरमिनेंट करेंगे, अब बोलिए क्या आंसर होगा, जीरो आंसर होगा, सी आंसर होगा मेरा, imply that determinant of p square plus q square is equal to determinant of 0 is equal to 0, तो मेरा आंसर यह होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं, आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, नहीं यदि सोल्यूशन होता है तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ गया क्वेश्चन, आधा पेज है, अब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन डिलीट करता हूं मैं, टू थाउजेंड फिफ्टीन का है, जेईई का, तो मैं क्वेश्चन डिलीट करता हूं स्टूडेंट्स, और ये आप लोग के लिए देता हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हो सकता है कल भी एक लेक्चर लूं मैं इसका, कुछ तो ले लूंगा, कल एक लेक्चर और करता हूं तब मैं वेक्टर स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, फॉर स्टूडेंट्स लिख देता हूं मैं, फॉर स्टूडेंट्स इफ ए इज इक्वल टू वन टू, थोड़ा बड़ा लिखता हूं,
ये डिलीट कर दिया मैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक बस, अब ज़्यादा नहीं डिलीट करूँगा। आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। इफ ए इज इक्वल टू वन टू ए, टू वन टू वन टू, टू माइनस टू माइनस टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इक्वेशन ए प्रोडक्ट ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नाइन आई, देन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में लिख देता हूं, ए है टू माइनस वन, बी माइनस टू वन, सी टू वन, डी माइनस टू माइनस वन, ये है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग को करना ही पड़ेगा। ऐसे में बीच बीच में देते जाता हूँ एक क्वेश्चन, 99% तो मैं ही सलूशन कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी तो एक क्वेश्चन दे सकता हूँ ना। ये मेरा लास्ट है, ये क्वेश्चन अब देख लीजिए। फॉर स्टूडेंट्स लिख दिया हूँ मैं, इफ ए इज इक्वल टू वन टू ए, टू वन टू, टू माइनस टू बी इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए प्रोडक्ट ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नाइन आई। ये नाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, नाइन आई। नाइन आई नाइन है, ठीक है। देन ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए जल्दी, ये आपका काम हो गया। एक लेक्चर और लूंगा मैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, और रिलेटेड दोनों क्वेश्चन मिक्स ला रहा हूं मैं, और ये सब मैं क्वेश्चन बैंक अभी निकाला हूं, क्वेश्चन बैंक से ही नोट कर रहा हूं, पुराना नया सब। कल हो सकता है 1920 का ला के बना दूं, हो सकता है, ठीक है, 18 तक तो बना दिया मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करूंगा, ठीक है, थैंक यू।